वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का निधन हो गया है। करीब एक महीने पहले अहमद पटेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही वो बीमार चल रहे थे। 71 साल के अहमद पटेल ने तड़के 3:30 पर आखिरी सांस ली। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे फैजल ने ट्वीट करके दी। अरुण सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, 71 साल की उम्र थी अहमद पटेल की, उनके निधन से जुड़ी और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आज सुबह 3:30 एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस लिए। जैसा कि आपने बताया, एक महीने पहले उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इलाज के लिए उनको भर्ती किया गया था और पिछले 10 दिन में उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था। आज सुबह 3:30 उन्होंने अंतिम सांस ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने उनके बेटे फैसल पटेल से बात करके श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेताओं ने, दिग्विजय सिंह ने भी अहमद पटेल के साथ किस तरह से 1977 में अहमद पटेल पहली बार संसद पहुंचे थे उसको याद किया था और उनके मृदुभाषी व्यवहार को, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के फैसले वो लेते थे और सोनिया गांधी जो कुछ भी निर्देश देती थी पार्टी के नेता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, अपनी सरकार के लिए, अपने राज्य सरकारों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, उसको किस तरह से सबसे बात करके जमीन पर उतारना, धरातल पर उतारना, ये काम अहमद पटेल का पार्टी के अंदर था। कितना महत्व था उनका, क्योंकि सोनिया गांधी के आंख, नाक और कान कहे जाते थे अहमद पटेल। पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, हाल के दिनों में पार्टी को कैश क्रंच हुआ था जिसके बाद उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया था और उम्मीद ये थी कि कांग्रेस पार्टी को मुश्किल हालात से निकालेंगे, तो सोनिया गांधी बेहद भरोसा करती थी उन पर। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे और जिस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर के कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि राजनीतिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में किस तरह का रसूख उनका था और कितना उन्होंने देश के लिए एक सांसद के तौर पर, एक नेता के तौर पर और कांग्रेस पार्टी के लिए एक रणनीतिकार के तौर पर काम किया था। बिल्कुल अरुण, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है और चाहे हम गठबंधन के दलों की बात करें, यूपीए के दलों की बात करें, ना सिर्फ उनके साथ अहमद पटेल एक ब्रिज का काम करते थे बल्कि अपनी ही पार्टी में अगर रूठों को मनाना हो तो वो भी सोनिया गांधी के निर्देश पर अहमद पटेल को ही जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। देखिए, कई दशक तक वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री बदलने हो, मंत्रिमंडल का गठन करना हो, मनमोहन सिंह सरकार से कोई ऐसा कानून पास करवाना हो जो मनमोहन सिंह सरकार नहीं चाहती हो, पार्टी का वो एजेंडा हो। आपने देखा था किस तरह से नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, जिसने कई ऐसे कानून मनरेगा से लेकर के और फार्म लॉज तक, फूड सिक्योरिटी बिल तक, कई ऐसे कानून जिसका असर पड़ता था सरकार पर, उसके फंड पर, फिर भी पार्टी की तरफ से दबाव डलवा करके उसको इम्प्लीमेंट करवाना हो, राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री बदलने हो, पार्टी में लीडरशिप चेंज करनी हो, कोई भी काम जो सोनिया गांधी चाहती थी उसको इम्प्लीमेंट करते थे अहमद पटेल। और आपने गठबंधन राजनीति की बात की, 10 साल तक यूपीए गठबंधन चला। शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी तक जितने बड़े नेता थे उन नेताओं से नियमित रूप से मिलते रहना, गठबंधन की गांठें खोलना, गठबंधन की मुश्किलें सुलझाना, ये सब काम अहमद पटेल ने किया है सार्वजनिक जीवन में और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के रीढ़ की हड्डी वो कहे जा सकते हैं संगठन की। और खासतौर से 1998 से लेके अब तक सोनिया गांधी जब से सक्रिय हुई थी राजनीति में, मैंने जैसा कि कहा कि सोनिया गांधी की आंख, नाक और कान तीनों का काम करते थे अहमद पटेल। पार्टी के ट्रेजरार थे, यानी कि पार्टी में जो चंदा राजनीतिक मिलता है और पार्टी की आर्थिक सेहत की जिम्मेदारी उनके पास थी। राज्यसभा के लगातार वो सांसद रहे थे, लोकसभा के सांसद रहे थे और आपने देखा था गुजरात में किन विपरीत परिस्थितियों में वो रणनीतिक कुशलता से अपने राज्यसभा की सीट जीत करके आए थे। तो अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जरूर थे। साथ ही साथ अगर आप उनका सार्वजनिक जीवन देखिए आप, तो लगातार वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में गुजरात के लोगों की सेवा करते रहे, तो एक तरह से बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता थे। और अरुण, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि अहमद पटेल का निधन हुआ है, इससे पहले तरुण गोगोई का, और कुछ समय पहले की बात करें तो प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का निधन हो गया है। करीब एक महीने पहले अहमद पटेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही वो बीमार चल रहे थे। 71 साल के अहमद पटेल ने तड़के 3:30 पर आखिरी सांस ली। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे फैजल ने ट्वीट करके दी। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर दुख जाहिर किया और ट्वीट कर कहा, अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में समाज की सेवा करते हुए वर्षों बिताए। वो अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे और उन्हें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए याद किया जाएगा। उनके बेटे फैजल से बात करके अपनी संवेदनाएं जताई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
निवार तूफान से निपटने के लिए पुदुचेरी और तमिलनाडु में तैयारियां जोरों पर हैं। तूफान के समुद्र तट से टकराने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए दोनों राज्यों में सरकारी एजेंसियों ने लोगों को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी समुद्र के तटों का हाल जानने के लिए पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री मानते हैं कि तूफान से भारी नुकसान हो सकता है। साइक्लोन विच विल बी हैव अ वेलोसिटी ऑफ अबाउट 100-110 किलोमीटर्स बिकॉज़ द ट्रीज विल बी अपरूटेड एंड द रोड्स विल बी डैमेज्ड। इसीलिए जहां भी पेड़ों से नुकसान हो सकता है वहां पेड़ों को काटने का काम शुरू हो गया। जहां बोर्ड और होर्डिंग परेशानी की वजह बन सकते हैं वहां पुलिस की टीमें लोगों को समझाने के लिए पहुंच गईं। खतरनाक लग रहे हर बोर्ड को या तो उतार दिया गया या फिर मजबूती से बांध दिया गया। दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान की चाल पर नजर रखने के लिए हाईटेक इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर का संपर्क हर सरकारी महकमे से है। इमरजेंसी सेंटर की स्क्रीन को भी टच स्क्रीन बनाया गया है ताकि किसी भी जानकारी पर उंगली रखते ही उससे जुड़ी सारी डिटेल दिखने लगे। अनुमान है कि तूफान का असर दो राज्यों के पूरे समुद्र तट पर हो सकता है। Widespread rainfall in south coastal districts and Rayalaseema districts. इसीलिए NDRF और SDRF की कई टीमें खतरे वाली जगहों को खाली कराने में जुटी हैं। और प्रधानमंत्री ने भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तूफान के पहुंचने पर पुदुचेरी और तमिलनाडु के कई जिलों में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, इसलिए इन दोनों राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। पुदुचेरी में सरकार ने सभी दुकानों और दफ्तरों को 26 नवंबर की सुबह 9 बजे तक बंद रखने को कहा गया है और तमिलनाडु में भी बुधवार को सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई। दोनों ही राज्यों की सरकारों ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। इसके अलावा जिन जिलों में तूफान के सबसे ज्यादा असर का अनुमान है वहां बड़ी संख्या में राहत शिविर भी बनाए गए हैं, जहां लोगों के ठहरने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। निवार तूफान के पहुंचने से पहले ही समुद्र के तट पर और समुद्र के किनारे बसे जिलों में असर भी दिखने लग गया, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल बन गया। सबसे ज्यादा परेशानी कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने वालों के लिए है, इसलिए बारिश से बचने के लिए लोगों ने झोपड़ियों को ढकना शुरू कर दिया। जहां आसपास कुछ मजबूत मकान हैं, वहां लोगों ने अपना जरूरी सामान उन मजबूत घरों में पहुंचाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने बाजारों में पहुंचकर खाने पीने के सामान की जमकर खरीदारी की। ये तैयारी इसलिए की गई ताकि अगर तूफान का असर बाजारों पर हो तो घरों में खाने पीने का सामान कम न पड़े। कई जगहों पर तो पेट्रोल पंप पर भी लोगों की भारी भीड़ केवल तूफान के डर की वजह से जमा हो गई। तूफान के पहुंचने से पहले ही कई जगहों पर तेज बारिश का दौर भी शुरू हो गया, जिनमें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भी शामिल है, जहां अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। ये बारिश तूफान की दस्तक भर है, जिसने लोगों को आने वाली मुसीबत से सावधान कर दिया। तूफान की वजह से पहले ही मछुआरों के समुद्र में उतरने पर रोक लगाई जा चुकी है। समुद्र में भी तूफान की दस्तक कई घंटे पहले ही महसूस होने लगी। तूफान में कई फीट लहरें उठने के अलावा तेज हवाएं भी चलनी शुरू हो चुकी हैं। जैसे जैसे तूफान करीब आता जाएगा, लहरों की ऊंचाई और हवाओं की रफ्तार बढ़ती जाएगी। जिन राज्यों में खतरा कम है तैयारियां वहां भी पूरी हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सभी अहम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और तूफान से निपटने का एक्शन प्लान बनाया। बैठक में कई जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। अब से कुछ ही घंटों में निवार तूफान समुद्र तट से टकराएगा, लेकिन इससे पहले ही उसका असर दिखना शुरू हो गया है। चेन्नई में कल शाम को ही तूफान के असर से जोरदार बारिश हुई, जिससे वहां की सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में तो पानी घुटनों से भी ऊपर तक दिखाई दिया। लोग मुश्किल से बारिश के पानी के बीच आते जाते दिखाई पड़े। दुकानों के बाहर भी पानी ही पानी दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुदुचेरी में निवार तूफान की वजह से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है। तो निवार से निपटने की तैयारी पूरी हो चुकी है। NDRF की टीमें वहां पर तैनात की गई है। कुछ ही घंटों में निवार तूफान पुदुचेरी में टकराएगा और ऐसे में दुकानें और दफ्तरों को बंद किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में आज सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है, यानी कि निवार तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो समुद्र से टटे हुए इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस निवार तूफान को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है और जब तक पुदुचेरी में ये निवार तूफान टकराएगा नहीं तब तक वहां पर दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पुदुचेरी और तमिलनाडु पर बड़ी आफत लेकर आया है निवार तूफान, लेकिन इससे निपटने के लिए वहां पर टीमें तैनात कर दी गई है। और आपको बता दें कि निवार तूफान की वजह से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है, यानी कि तैयारी पूरी हो चुकी है। और जो लोग वहां पर समुद्र तट
से सटे हुए इलाकों में रहते थे उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। तो जो टकराने वाला है निवार तूफान, उसका असर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की 30 टीमें 3 राज्यों में तैनात की गई है। इसके अलावा 20 टीमों को अलर्ट पर भी रखा गया है और अगर जरूरत पड़ी तो नौसेना की भी मदद ली जाएगी। कोरोना संकट के बावजूद देश भर के बाजारों में भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। घरों से बाहर निकल रहे कई लोग कोरोना के नियमों की भी अनदेखी करते दिख रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर राजधानी के कमला नगर बाजार से भी सामने आई, जहां इतनी भीड़ दिखी कि लोग एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। पैर रखने तक की जगह बाजार में नजर नहीं आई। भीड़ को देखकर ऐसा लगा मानो किसी में कोरोना वायरस का खौफ दिखाई नहीं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कमला मार्केट की, जो व्यवस्था है उसको मेंटेन कराने के लिए भी कोई नजर नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे ही हालात देहरादून के एक बाजार में भी दिखे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, कई लोग ठीक से मास्क तक लगाए नजर नहीं आए। लोग खरीदारी ऐसे करते दिखे जैसे हालात पहले की तरह सामान्य हो गए हों। हद तो तब हो गई जब कुछ लोग छोटे बच्चों को बाजार में लेकर पहुंच गए, वो भी बिना मास्क के। ये हालात तब हैं जब बुजुर्गों और बच्चों से लगातार घरों से बाहर न निकलने की अपील की जा रही है। एक तरफ गुजरात में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद के स्वागत कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। गुजरात के बोटाद में बीजेपी सांसद शंभू तुंडिया के स्वागत में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए, भीड़ के साथ सड़कों पर नाचते दिखाई दिए। यही नहीं, सांसद शंभू टुंडिया के आसपास भी लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस बीच कोरोना नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शरणार्थियों के कैंप पर कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसे संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। वहां पिछले एक हफ्ते से शरणार्थियों के अवैध कैंपों को हटाने की कार्रवाई चल रही है, और इसी कड़ी में राजधानी पेरिस में मौजूद शरणार्थियों के एक और अवैध कैंप को पुलिस ने हटाना शुरू किया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। इस दौरान वहां एक जोरदार धमाका हुआ, देखने से ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया। हिंसा कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। अवैध शरणार्थी कैंप हटाने से नाराज कई लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। कोई उनसे बहस करता नजर आया तो कोई हाथापाई पर उतारू दिखा, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को उन पर सख्ती करनी पड़ी। एक सर्वे में पीएम को सोशल मीडिया पर देश का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया पर देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। चेक ब्रांड नाम की निजी एजेंसी के सर्वे में ये बात सामने आई कि अगस्त से अक्टूबर के बीच ट्विटर, यूट्यूब और गूगल पर पीएम मोदी से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा देखी गईं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली का मुद्दा उठाया और पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से होने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए पीएम से दखल की अपील की। खबर है कि रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो सकते हैं। अभी ये दोनों खिलाड़ी बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में इन दोनों पर एनसीए की बैठक में ये बात सामने आई कि दोनों की फिटनेस में बहुत सुधार नहीं आया है और इस बारे में बीसीसीआई को भी बता दिया गया है। यानी टेस्ट सीरीज में भी रोहित और ईशांत के खेलने की उम्मीद काफी कम हो गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बांध बनाने पर समझौता हो गया। दोनों देशों के इस फैसले से काबुल के 20 लाख लोगों को साफ पानी मिल पाएगा। आज दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से महाराष्ट्र पहुंचने वाले लोगों को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के मुताबिक इन चारों राज्यों से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाए बिना एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली एनसीआर, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आई है, जिसको देखते हुए और सख्ती बढ़ती जा रही है। में नजर रखना जरूरी है कि अगर ऐसा दिख रहा है कि अगर संख्या बढ़ रही है या कुछ अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की वजह से कुछ इन्फेक्शन बढ़ने की चांसेस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसे वक्त हमारे को कुछ जो हमने आज ढील दी गई है, वो ढील जो दी गई है उसमें कुछ और सख्ती से काम करना जरूरी है। लॉकडाउन ये हमारे आज फिलहाल की सिचुएशन में तो भी बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, या उस बारे में कोई विचार हमारा चल नहीं रहा है।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक ग्राम प्रधान का महिला से मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये वीडियो वहां के गंभीरपुर इलाके का है, जहां ग्राम प्रधान की ओर से पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन कुछ महिलाओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद नौबत मारपीट तक आ गई। वायरल वीडियो में दिखा कि एक महिला ने अपना विरोध जताते हुए ग्राम प्रधान का कॉलर पकड़ लिया, जिसकी वजह से आग बबूला ग्राम प्रधान ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। बात बिगड़ती देख एक दूसरे शख्स ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ और महिलाएं वहां आ गईं और ग्राम प्रधान से भिड़ गईं, जिसके बाद लड़ाई रोकने की कोशिश करने वाला शख्स भड़क गया। उसने आओ देखाना ताओ और महिलाओं को खेत में दौड़ा दौड़ा कर थप्पड़ मारने लगा। बताया गया कि ये वीडियो दो दिन पुराना है, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसने महिलाओं से मारपीट करने के आरोप में ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। प्रधान को गिरफ्तार करके जेल में गया। बताया गया कि जिस जमीन पर पंचायत भवन बनवाया जा रहा था, उसके आसपास की जमीन के मालिकों ने आरोप लगाया कि इस निर्माण कार्य में उनकी जमीन का कुछ हिस्सा भी हथिया लिया गया है, इसीलिए उन्होंने विरोध किया और विवाद बढ़ गया। दिल्ली में लगातार पांचवें दिन कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से 109 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए केस आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 5,40,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में करीब 5000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। सऊदी अरब के एक बड़े तेल डिपो पर हुए मिसाइल हमले से वहां हड़कंप मच गया। इस मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ईरान के समर्थन वाले यमन के हूती विद्रोहियों ने ली, जिन्होंने वहां के जद्दा शहर में मौजूद एक तेल डिपो को निशाना बनाने का दावा किया। मिसाइल हमले के बाद वहां आग लग गई। आनन फानन में दमकल की गाड़ियों को वहां रवाना किया गया। हमले के बाद वहां हड़कंप मच गया। हालांकि इस हमले में वहां खास नुकसान नहीं हुआ। वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के साथ आग को भी बुझा लिया गया। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई को श्रद्धांजलि दी गई। असम के 3 बार मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई को गुवाहाटी में श्रद्धांजलि दी गई। उनके निधन पर राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। तरुण गोगोई का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार विधानसभा के बाहर लेफ्ट के कुछ कार्यकर्ताओं ने वैशाली दरिंदगी मामले पर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। आरोप है कि कुछ दिन पहले वैशाली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 लड़कों ने मिलकर एक लड़की को जिंदा जला दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर की याचिका खारिज कर दी। तेज बहादुर ने अपनी इस याचिका में आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने गलत तरीके से उनका नामांकन रद्द किया। तेज बहादुर ने पिछले लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से पीएम के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड भी बर्फ से ढक गई, जिसकी वजह से फिलहाल इसे बंद कर दिया गया। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की नई जर्सी की तस्वीर शेयर की। इसी जर्सी को पहनकर टीम इंडिया मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उतरेगी। जयपुर में सड़क पर चल रहे एक स्कूटर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही उस पर सवार दोनों लड़कियों ने स्कूटर को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और वहां से तेजी से दूर हट गई। आग इतनी तेजी से फैली कि स्कूटर के तेल की टंकी धमाके के साथ फटी। इस बीच वहां मौजूद पुलिस वालों ने आग को बुझाने की कोशिश की, हालांकि उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई और स्कूटर पूरी तरीके से जल गया। यूपी कैबिनेट ने लव जिहाद कानून के मसौदे पर मोहर लगा दी। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में लव जिहाद कानून का मसौदा पेश किया गया, जिसको मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। खबर है कि अब इस अध्यादेश को राज्य सरकार विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश करेगी। लव जिहाद के खिलाफ इस अध्यादेश में शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित कर दिया गया और 1 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी इसमें है, जबकि 15,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना भी ऐसे मामलों में वसूला जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो उसे जिला अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। प्रदेश के अंदर यह लोगों को पता चलना चाहिए कि छल और प्रपंच से धोखा देने का अब तक काम होता रहा है, वो आगे नहीं होने पाएगा। उसके लिए कानून का शिकंजा तैयार हो गया। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच सियासत भी जमकर हो रही है। एमसीडी ने दिल्ली सरकार पर कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। एमसीडी का दावा है कि अब तक नवंबर महीने में कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा दिल्ली सरकार बता रही है, मौतें उससे ज्यादा हुई हैं।
दिल्ली सरकार के मुताबिक नवंबर महीने में अब तक कोरोना से कुल 2001 मौतें हुई हैं। वहीं एमसीडी अपने अंतर्गत आने वाले सभी शमशान घाटों पर हुए दाह संस्कार के आंकड़ों को जोड़कर दावा कर रही है कि नवंबर में अब तक कुल 2559 मौतें हुई हैं। तो यहां पर आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया गया है। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर अब सियासत जमकर हो रही है। एमसीडी ने दिल्ली सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है और कहा है कि जो नवंबर महीने में मौतें हुई हैं उसका आंकड़ा कहीं ज्यादा है, जबकि दिल्ली सरकार इन आंकड़ों को छिपा रही है। लोगों के परिजनों की दुखद मौतें हो रही हैं, उस मौतों के आंकड़ों को भी दिल्ली सरकार द्वारा छुपाया जा रहा है। दिल्ली में लगभग नवंबर के महीने में ही 2000 से ज्यादा मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको स्वास्थ्य व्यवस्था आप बेहतर नहीं कर सकते, दिल्ली को नहीं संभाल सकते, तो कुर्सी छोड़ दो। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर कोरोना की रोकथाम में दिल्ली सरकार के काम को बेहतर बताया। उन्होंने लिखा, दिल्ली में भारत के दूसरे शहरों के मुकाबले कोरोना से होने वाली मौतों की दर कम है। तेजी से आईसीयू में बेड की व्यवस्था और दूसरी मेडिकल सुविधाओं ने ऐसा करने में मदद की। हम हर एक जिंदगी को बचाने में जुटे हुए हैं। पश्चिम एशिया के देश यमन में चक्रवाती तूफान के बाद आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई। सोमालिया में तबाही मचाने के बाद चक्रवात ने यमन के एक द्वीप पर दस्तक दी, जिसका असर वहां के रिहायशी इलाकों पर भी पड़ा। अरब सागर से उठे गति नाम के इस चक्रवात की वजह से यमन के सोकोत्रा द्वीप पर भारी बारिश हुई और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। बाढ़ की वजह से तो हालात और भी खराब हो गए। कई सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी नजर आईं, जबकि जगह जगह पानी भरने से लोगों को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चक्रवात की वजह से कई इलाकों में भारी नुकसान की भी खबर है। आईसीसी ने दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नामांकन की सूची जारी की। आईसीसी ने दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नामांकन की सूची जारी की। इसमें विराट कोहली को 4 पुरस्कारों, आईसीसी प्लेयर ऑफ द डेकेड, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड और आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द डेकेड के नामांकन के लिए चुना गया। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द डेकेड के लिए आर अश्विन को भी नामांकन मिला। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों पर 20 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। साथ ही एक आरोपी पर हरियाणा पुलिस ने 2,00,000 का इनाम भी रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के लिए जरूरी RT-PCR टेस्ट का दाम 400 रुपए किए जाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग से जुड़े 8 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी फिलहाल 10 दिनों के लिए क्वारंटीन रहेंगे। हालांकि ये साफ नहीं है कि इनमें कितने खिलाड़ी हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक थाने के 16 पुलिस वालों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही उन तमाम लोगों के टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं जो पिछले दिनों इन पुलिस वालों के संपर्क में आए। कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुसार थाने को सील किया है 5 दिवस के लिए। चीन के शंघाई से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया, जिसमें कोरोना काल में छात्रों को महामारी से बचाने के लिए एक स्कूल की कैंटीन में स्मार्ट रोबोट उतार दिए गए। अब वहां खाना पकाने से लेकर खाना परोसने तक हर काम रोबोट के जिम्मे है। इसलिए कैंटीन में छात्रों के अलावा कोई और इंसान नजर ही नहीं आया। रोबोट ही रसोइये बने दिखे और कैंटीन के बाकी कर्मचारियों का जिम्मा भी वो खुद ही संभालते नजर आए। खाना छात्रों को परोसने के लिए भी कैंटीन में अलग अलग काउंटर की बजाय एक कन्वेयर बेल्ट लगी दिखी। रोबोट ने अलग अलग कटोरियों में तैयार खाना उस पर रखा और छात्रों ने अपनी पसंद की चीजें उठा ली। कैंटीन जैसी जगह पर कई लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और खाने पर दसियों लोगों के बार बार हाथ लगने की गुंजाइश रहती है, लेकिन शंघाई के इस स्कूल ने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया। रोबोट और कन्वेयर बेल्ट के इंतजाम की वजह से कैंटीन में किसी ने भी खाने को छुआ नहीं, और तो और छात्रों और स्टाफ का एक दूसरे से आमना सामना भी नहीं हुआ, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा कम हो गया। सिर्फ सुरक्षा के ही लिहाज से नहीं, इन रोबोट की स्पीड का भी कोई सानी नहीं। बताया गया कि ये सिर्फ 1.25 घंटे में इतने छात्रों का खाना तैयार कर देते हैं, और जहां पहले कैंटीन में 7 से 8 कर्मचारी लगे रहते थे, अब सिर्फ 2 ऑपरेटरों में ही काम हो जाता है। मैं हूं किशोर अजवाणी, आज की ताजा खबर जारी है।